भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के गाने मीठा मीठा बात है कमरिया को मिला है 72 मिलियन व्यूज। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 72 मिलियन व्यूज। और आप ये कहेंगे हम तो 50 मिलियन ही जानते, लेकिन भाई आपने ऑडियो का व्यूज तो गिना ही नहीं। जी हाँ, मीठा मीठा बात है कमरिया का वीडियो रिलीज होने से पहले ऑडियो रिलीज हुआ था और ऑडियो रिलीज को 2 महीने के अंदर 22 मिलियन व्यूज मिले हैं और वीडियो को 50। और आप अगर इन दोनों को काउंट करेंगे तो 72 मिलियन व्यूज एक ही गाने पर आए हैं और एक ही YouTube चैनल के अंतर्गत। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड म्यूजिक के अंतर्गत ये दोनों गाने रिलीज किए गए। वर्ल्ड वाइड म्यूजिक के अंतर्गत ये एक गाना रिलीज किया गया, एक को ऑडियो में रिलीज किया गया, एक को वीडियो में रिलीज किया गया, और दोनों का व्यूज अगर आप मिलाते हैं तो 72 मिलियन व्यूज होते हैं। और भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के लिए वैसे भी ये बड़ी बात नहीं होनी चाहिए भाई। आजकल पवन सिंह तहलके पे तहलका और न्यूज़ में बने रहना जान चुके हैं, इसलिए वो सही खबरों के कारण न्यूज़ में बन रहे हैं। अब तो भाई रानी चटर्जी भी उनके पास आ चुकी हैं और रानी चटर्जी के साथ लगातार वो कई वीडियो सॉन्ग शूट करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें बोलबम की तो शूटिंग हो चुकी है, 2 ही दिन में रिलीज भी हो जाएगा। साथ ही साथ साड़ी पर का फोटो की भी शूटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी फ़ोटो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसके अलावा ये दोनों एक फिल्म में साथ नजर आएंगे, हमने इससे पहले अपने एक वीडियो में बताया था आपको। साथ ही साथ ये दोनों एक सैड सॉन्ग भी शूट करेंगे। जी हाँ, इसकी खबर भी हम आपको एक्सक्लूसिव दे रहे हैं। जी हाँ, लोगों को तो ये ही पता है कि ये रोमांटिक सॉन्ग करेंगे, बोलबम सॉन्ग करेंगे और फिल्म साथ में करेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक सैड सॉन्ग आएगा। इस सैड सॉन्ग को ये दोनों एक साथ शूट भी करेंगे और लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों आखिर रानी चटर्जी। तो आपको बता दें पवन ने इससे पहले भी कई हीरोइनों को अप्रोच किया, लेकिन कोई भी मुंबई से पटना जाने के लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन जैसे ही पवन ने रानी को फ़ोन किया, रानी तुरंत उसके लिए रेडी हो गई। क्वेश्चन भी नहीं पूछा, अमाउंट भी नहीं पूछा कि इन सब कामों का उन्हें फीस क्या मिलने वाला है, और वो पवन सिंह की एक बात पर वहां पहुंच गए। आपको ये बता दें इसी कारण पवन सिंह ने डिसाइड किया है कि आगे आने वाली फिल्म में पवन सिंह के साथ रानी चटर्जी एक फिल्म में हीरोइन बतौर हीरोइन उनके साथ नजर आएंगी, और इसलिए उनके साथ पवन सिंह इतने सारे वर्क कर रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।